हेलो फ्रेंड्स, फॉर्च्यून इन्फो सॉल्यूशन की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं और अपडेट है नीट पीजी 2022 काउंसलिंग से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मॉपअप राउंड सब जगह कंडक्ट हो रही थी और एनसीसी की तो मॉपअप राउंड की रिजल्ट बहुत पहले ही आ गई थी। साथ ही साथ स्टेट डिफरेंट स्टेट्स में भी मॉपअप राउंड की प्रोसेस चल रही थी और वो ऑलमोस्ट हर स्टेट में कंप्लीट हो चुकी है। तो आज का हमारा ये वीडियो इसी अपडेट से रिलेटेड रहेगा। देखेंगे कि एमसीसी की स्टे वैकेंसी राउंड में क्या न्यू चेंजेस आई हैं, न्यू अपडेट्स आई हैं और कहाँ कहाँ कौन से स्टेट में सीट्स अवेलेबल हैं और कहाँ कहाँ स्टे वैकेंसी चल रही है। तो इन सारी अपडेट से रिलेटेड आज का हमारा ये वीडियो है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जो चैनल पर न्यू है, जो हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि उनको ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स ऑन टाइम हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू मिलती रहे। तो सबसे पहले देखते हैं वो नोटिस जिसमें कुछ रूल्स की चेंजेस हुई। एमसीसी की ऑनलाइन वेबसाइट mcc.dic.in पे जो पब्लिश हुई 26th को, स्ट्रे वैकेंसी राउंड से रिलेटेड क्या उसमें चेंजेस हैं क्या नहीं है। तो जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो नोटिस है स्ट्रे वैकेंसी की चॉइस फिलिंग से रिलेटेड। तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो सब स्ट्रे वैकेंसी के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जो अपनी चॉइसेस को चेंज नहीं करना चाहते हैं, जो उन्होंने मॉपअप राउंड में जो चॉइसेस रखी थी वही वो चाहते हैं कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में रहे, तो उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो मॉपअप राउंड में चॉइसेस उन्होंने भरी थी वही चॉइसेस स्ट्रे वैकेंसी के लिए भी कंसिडर की जाएगी। कोई अगर अपनी चॉइसेस मॉडिफाई करना चाहता है तो वो स्टिपुलेटेड टाइम, जो टाइम दी गई है उस टाइम में कर सकता है। जो नहीं चाहते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना, वो अपनी अकाउंट में लॉगिन करें और यूज़र अकाउंट में लॉगिन करें, कैंडिडेट अकाउंट में, स्टूडेंट अकाउंट में एमसीसी की वेबसाइट पर लॉगिन करें और चॉइसेस हटा दें और बाकी जो भी रूल्स हैं वो अप्लाई होंगी। पहले जो इंटरनल कैटेगरी कोटा है वो उन कैटेगरी स्टूडेंट्स को मिलेगी जो आएंगे, और अगर फिर भी बची हुई रहती हैं तो वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए ऑल इंडिया कोटा एज पर जो उनकी रूल्स है उसके अकॉर्डिंगली अवेलेबल हो जाएंगी। तो चेंज क्या आई है? चेंज ये आई है कि लास्ट काउंसलिंग में स्टे वैकेंसी राउंड में कोई चॉइस फिलिंग करने की कोई ऑप्शन नहीं थी, मॉडिफाई नहीं कर सकते थे आप, इस बार मॉडिफाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इस बार भी नहीं खुली है, न्यू रजिस्ट्रेशन लास्ट ईयर भी नहीं खुली थी। तो बस इतनी सी चेंजेस आई हैं और ऑल इंडिया कोटा 50% एंड डीएनबी काउंसलिंग, डीएनबी एंड एनबी डिप्लोमा काउंसलिंग ऑनलाइन रहेगी और जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग है वो ऑफलाइन रहेगी, कॉलेज लेवल काउंसलिंग रहेगी। और कॉलेज लेवल मतलब आपको ऑफलाइन कॉलेज में जाके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। तो यही एमसीसी की अभी तक की अपडेट्स हैं। तो एमसीसी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ऑल इंडिया 50% कोटा, डीएनबी एनबी डिप्लोमा की ऑनलाइन रहेगी काउंसलिंग और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की ऑफलाइन काउंसलिंग रहेगी। काफी सीट्स अवेलेबल है डीम्ड यूनिवर्सिटीज में, स्पेशली साउथर्न इंडिया में, साउथ इंडियन साउथर्न स्टेट्स में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में और भी कुछ जगह डीम्ड यूनिवर्सिटीज में सीट्स अवेलेबल हैं। अभी भी बहुत सीट्स बची हुई हैं और जिन्हें एमसीसी या डीम्ड यूनिवर्सिटीज में इंटरेस्ट है वो कॉलेज लेवल काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है उन्हें उनकी डिजायर्ड ब्रांचेस मिल जाए। अब बात करते हैं स्टेट लेवल काउंसलिंग। स्टेट लेवल काउंसलिंग में मैक्सिमम स्टेट्स की रिजल्ट आ गई है। उत्तर प्रदेश की कल ही रिजल्ट आई, कर्नाटका की भी रिजल्ट 26th को आ गई,
वेस्ट बंगाल की भी रिजल्ट आ चुकी है, राजस्थान की भी रिजल्ट आ चुकी है। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी ओपन स्टेट्स हैं जिनकी इम्पोर्टेंस बहुत है नीट पीजी काउंसलिंग में। और मध्य प्रदेश की काउंसलिंग कैंसिल कर दी गई थी, फिर से दोबारा काउंसलिंग करवाई जा रही है। और जितने भी स्टेट्स हैं सब जगह की, अब सब स्टेट्स स्टेट वैकेंसी राउंड की तरफ जा रहे हैं। स्टेट वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग अब स्टार्ट होगी धीरे धीरे सारे स्टेट्स में। मॉपअप राउंड में भी मॉपअप राउंड भी सारे स्टेट्स में कंप्लीट हो गई है। काफ़ी सीट्स बच गई है मॉपअप राउंड में, स्पेशली जो हाई फीस कोटा की सीट्स थी वो बहुत सारे स्टेट्स में बच गई है। स्पेशली कर्नाटका, वेस्ट बंगाल में काफ़ी सीट्स अवेलेबल हैं। और अगर जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टेट वैकेंसी राउंड में, और हो सकता है उनकी डिजायर्ड ब्रांचेस में मिल जाए। कर्नाटका की बात करूँ तो रेडियो मेडिसिन, ENT, ऑर्थो, ऑर्थोपेडिक्स, साइकेट्री, टीबी चेस्ट, ऑप्थल, एनेस्थीसिया, सर्जरी, गाइनी, पीडियाट्रिक्स, इन सब में सीट्स अवेलेबल है। इमरजेंसी मेडिसिन तो देखा जाए तो अराउंड 135 के अराउंड सिर्फ क्लिनिकल सीट्स अवेलेबल है। और ये सीट्स क्यू कोटा सीट्स बोलते हैं। दो कोटा होती है हाई फीस में, एक NRI कोटा है, क्यू कोटा। तो क्यू कोटा यानी कि अदर्स कोटा की जो सीट्स हैं उनमें अवेलेबल है। जो ओपन कोटा, ओपन कैटेगरी की सीट्स थी वो फिलअप हो चुकी हैं ऑलमोस्ट सारी सीट्स। ये तो सिर्फ क्लिनिकल सीट्स हैं, जिन्हें इंटरेस्ट हो क्लिनिकल ब्रांचेस में वो स्टेट वैकेंसी राउंड में जाके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके ट्राई कर सकते हैं। इवन नॉन क्लिनिकल भी काफ़ी सीट्स बची हुई हैं। और वेस्ट बंगाल में भी सेम, ज़्यादा कॉलेजेस नहीं है वेस्ट बंगाल में, लेकिन वहाँ पे भी काफ़ी सीट्स अभी बची हुई हैं। पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, ये सीट्स बची हुई है कुछ कॉलेजेस में, तो वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान में ज़्यादा सीट्स बची नहीं हैं, जो हाई फीस सीट्स हैं वो बहुत कम बची हैं। नॉन क्लिनिकल ज़्यादा बची हैं, क्लिनिकल सीट्स उतनी बची नहीं हैं। और बिहार में भी स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ कंडक्ट होने वाली है, कंडक्ट हो ही रही है, तो वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। वहाँ पे भी कुछ कॉलेजेस में कुछ सीट्स अवेलेबल हैं, तो आप काउंसलिंग के थ्रू अगर जाना चाहे तो आप जाके ट्राई कर सकते हैं। और सब जगह जितने भी स्टेट्स हैं और सेंट्रल काउंसलिंग है, सब सारी स्टे वैकेंसी राउंड जो लास्ट एंड फाइनल राउंड है नीट पीजी 2022 काउंसलिंग की, उसकी प्रोसेस अब स्टार्ट हो गई है। तो जिन स्टूडेंट्स को अभी भी अलॉटमेंट नहीं हुई है और चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो बोलना चाहूँगा, जिन स्टूडेंट्स को अभी तक मॉपअप राउंड में अलॉटमेंट हो गई है, चाहे वो MCC की मॉपअप राउंड हो, चाहे वो स्टेट्स की मॉपअप राउंड हो, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं स्टे वैकेंसी राउंड में, जिन्हें अलॉटमेंट नहीं हुई है वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिन्होंने रिपोर्टिंग वगैरह कर दी है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो ये थी अभी तक की टोटल अपडेट्स MCC की एज वेल एज स्टेट लेवल काउंसलिंग की। तो इस वीडियो में दोस्तों इतनी अपडेट्स, अगले वीडियो में कुछ और नए अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स ऑन टाइम हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू मिलती रहे। और अगर आपको किसी भी तरीके की गाइडेंस चाहिए, अभी भी स्टे वैकेंसी राउंड में किसी तरीके की हेल्प चाहिए, कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो स्क्रीन पे दिख रहे हैं इस नंबर पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे जरूर कॉल करें। थैंक यू।